हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं बीएस मीना, सीनियर लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, राजस्थान। अब हम चर्चा करेंगे मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, यानी बेल्ट में अधिकतम तनाव कितना होता है। तो जैसे साथियों, पिछले काफ़ी लेक्चरों में अपन पढ़ चुके हैं कि एक चालक पुली होती है, चालित पुली होती है। चालक पुली को घुमाती है, इसके ऊपर बेल्ट होता है, इसके द्वारा कनेक्ट होती है। तो जो चालक पुली, जो इसमें जो टेंशन होता है टाइट साइड, वो नीचे की तरफ होता है, क्योंकि जो पुली है ये बेल्ट को इधर खींचती है, ठीक है, तो उधर टाइट साइड होगी, और उधर दूसरी तरफ धकेलती है तो वो स्लैक साइड होगी। और टेंशन सबसे ज़्यादा किधर होगा? टाइट साइड की ओर, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा टेंशन होगा, ये खींचती है इसको, तो सबसे ज़्यादा टेंशन होगा टाइट साइड की ओर। तो अपन मान लेते हैं टाइट साइड की ओर टेंशन का नाम देते थे T1, ठीक है, इस तरह से स्लैक साइड की ओर T2। तो अब अपन मैक्सिमम टेंशन निकालते हैं, तो टाइट साइड की ओर टेंशन मान लो T1 मान लो या T1 मान लो, और इसमें और भी कुछ कंसिडर्स करते हैं जो स्ट्रेस वगैरह जो लगेंगे, तो अपन मान लेते हैं सिग्मा मैक्सिमम सेल्फ स्ट्रेस इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सिग्मा बराबर मैक्सिमम सेल्फ स्ट्रेस इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये जो बेल्ट है, जो बेल्ट की लेंथ, जैसे यहाँ पर आपको बता रखा है, ये मान लीजिए बेल्ट है, तो इसकी जो बेड्थ है, ये बेड्थ को अपन मान लेते हैं बी। तो बेड्थ ऑफ द बी बराबर मान लेते हैं बेड्थ ऑफ द बेल्ट, ये भी अपन मान लेते हैं मिलीमीटर में। इसी तरह जो इसकी जो थिकनेस है, ये बेल्ट की जो थिकनेस है, इसको अपन मान लेते हैं टी, यानी टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ द बेल्ट इन मिलीमीटर। तो ये अपन सारी चीज़ें जो स्ट्रेस है, जो बेल्ट की बेड्थ है, थिकनेस है, इनको मिलीमीटर मान लेते हैं, स्ट्रेस न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपन को मैक्सिमम टेंशन निकालना है बेल्ट में, अपन मान लेते हैं मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, वो मान लेते हैं टी है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंशन बेल्ट में कितना होगा? वो बराबर होगा मैक्सिमम सेल्फ स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बेल्ट, यानी जितना जो मैक्सिमम स्ट्रेस है इसमें, मैक्सिमम सेल्फ स्ट्रेस लग रहा है बेल्ट में वो, और जो बेल्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? बेल्ट इंटू थिकनेस, बी इंटू टी। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम टेंशन बेल्ट में, हो जाएगा टी इक्वल टू सिग्मा इंटू बी इंटू टी। ये जो बी इंटू टी है क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेल्ट का, और ये जो सिग्मा लग रहा है ये मैक्सिमम सेल्फ स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये जो टेंशन है, मैक्सिमम टेंशन बेल्ट में हो जाएगा सिग्मा बी इंटू टी, ठीक है। तो ये सिग्मा बी टी, ये मैक्सिमम सेल्फ स्ट्रेस, ये मैक्सिमम टेंशन ऑफ द बेल्ट हो जाएगा। अब अपन मान लेते हैं, जब सेंट्रीपोल टेंशन कंसीडर करते हैं, जिसको अपन ने पिछले लेक्चर में देखा, सेंट्रीपोल टेंशन बराबर होता है टीसी, ठीक है। अपन ने सेंट्रीपोल टेंशन को मान लिया टीसी। अगर जब उसको अगर कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पुली, जो पुली है ये घूमती है, तो इसकी चाल अगर 10 मीटर पर सेकेंड से कम है तो अपन को सेंट्रीपोल टेंशन बहुत कम लगता है, तो उसको कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर ये तेज़ गति में घूमती है, जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है, तो अपन को इसको लेना अनिवार्य है, सेंट्रीपोल टेंशन को कंसिडर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर अपन सेंट्रीपोल टेंशन कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये जो मैक्सिमम टेंशन है, ये जो टाइट साइड की ओर जितना टेंशन है वो हो जाएगा T1, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टेंशन हो जाएगा T1। लेकिन अगर अपन सेंट्रीपोल टेंशन को कंसीडर करते हैं, तब ये जो टेंशन होगा वो T1 प्लस TC होगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम टेंशन है T1 प्लस TC, यानी टाइट साइड की ओर तरफ जितना ज़्यादा टेंशन, तो उसमें सेंट्रीपोल टेंशन भी कंसीडर करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार जो मैक्सिमम टेंशन ऑफ बेल्ट है, उसमें टेंशन है, उसको निकाला जाता है।